हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं, सीखेंगे आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे। आठवीं क्लास एट्थ क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड और चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो पूरा बेसिक डिस्कशन करेंगे हम कि जो है लीनियर इक्वेशन जो रहता है वो क्या रहता है और वन वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन रहता है उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में जो है हम पूरा आपको इंट्रोडक्शन शेयर करेंगे आपके साथ, साथ ही एक्सरसाइज 2.1 भी सॉल्व करेंगे। सो बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ज्यादा समय ना लगाते हुए। ओके, तो सबसे पहला काम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी कि इन द अर्लियर क्लासेस जो पहले लाइक सेवंथ तक आपने क्या सीखा, यू हैव कम अक्रॉस सेवरल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और एल्जेब्रिक इक्वेशंस से तो आपका वास्ता पढ़ ही चुका है। अगर हम बात करें एक बार तो बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जैसे बात करी गई है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अगर मैं आपको कहूँ ये जो एक x प्लस 5 है ये क्या है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं आपको बोलता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7y ये क्या है, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट। और ये जो x प्लस 5 था इज इक्वल टू मैं 7 कर दूं तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 ये क्या है, ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है। समझ रहे हैं ना आप क्या बताया जा रहा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एल्जेब्रिक इक्वेशन में फर्क। अगर मैं आपको बोलता हूं देखिएगा 5 प्लस 2 तो ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूं 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 तो ये अरिथमेटिक इक्वेशन हो गया है ना। वो एल्जेब्रिक इसलिए था क्योंकि उसमें हमने वेरिएबल्स का यूज किया है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो वेरिएबल जिनका वैल्यू वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है, और कांस्टेंट जिनका वैल्यू फिक्स रहता है। और ये वाला अरिथमेटिक इक्वेशन था, ये वाला अरिथमेटिक क्या था, 5 प्लस 2 एक्सप्रेशन था, क्लियर। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्रेशन वी हैव सो फार वर्क विद आर, सो ये जो 5x देख रहे हैं ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2x माइनस 3 भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, 3x प्लस y भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इवन x स्क्वायर प्लस 1 और y प्लस y स्क्वायर भी ऑल आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। सो आई होप आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। आगे बात करते हैं इक्वेशंस के बारे में। तो जैसे कि जो 5x था वो क्या था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, लेकिन 5x इज इक्वल टू 25 जो है ये एक इक्वेशन बन जाता है। आई होप आप समझ रहे हैं। यहां पर देखिएगा 2x माइनस 3 क्या था, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, लेकिन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 अगर है तो ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो ये सारा कंटेंट काफी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यू वुड रिमेंबर दैट द इक्वेशन यूज द इक्वलिटी साइन, ठीक है ना। ये हमने आपको बताया कि इक्वेशन में जो है इक्वल का साइन रहता है, इक्वलिटी का साइन रहता है। इट इज मिसिंग इन एक्सप्रेशन, ये भी हमने आपको बता दिया। ऑफ दीज गिवन एक्सप्रेशंस मेनी हैव मोर देन वन वेरिएबल, कुछ में एक से ज्यादा वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पर एक वेरिएबल है, यहाँ पर दो वेरिएबल है जो कि x एंड y है, यहाँ पर x, y, z तीन वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल तो एक ही है, इसमें दो वेरिएबल है, ठीक है। ये सारा कुछ हमने अभी आपको बताया। वी हाउएवर रेस्ट्रिक्ट टू एक्सप्रेशन विद ओनली वन वेरिएबल व्हेन वी फॉर्म इक्वेशन। तो जो इस क्लास में पढ़ेंगे वो सिर्फ वन वेरिएबल वाला बेसिकली पढ़ने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल वाले वो भी लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ना ये वाला, ये क्वाड्रेटिक है, क्लियर, क्योंकि पावर 2 है, तो हम लीनियर पढ़ेंगे जिसमें हाईएस्ट पावर 1 रहेगा, ठीक है। मोर ओवर द एक्सप्रेशन वी यूज टू फॉर्म इक्वेशंस आर लीनियर, दिस मींस दैट द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अपीयरिंग इन द एक्सप्रेशन इज 1, क्लियर। सो दीज आर लीनियर एक्सप्रेशंस, ये लीनियर एक्सप्रेशन है अपने पास। सो दीज आर लीनियर एक्सप्रेशंस। सो लीनियर एक्सप्रेशंस कौन से हैं, एक मिनट रुकिएगा, अभी आपको जो है बता रहे थे हम लोग, ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशंस है, ठीक है। सो ये सारे के सारे क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन है ना, जी हाँ, ये सारे लीनियर एक्सप्रेशन है। आगे बढ़ते हैं, ओके, यस, अभी इसमें लिखा है दीज आर नॉट लीनियर एक्सप्रेशंस, कौन से लीनियर एक्सप्रेशंस नहीं है, किन के बारे में कहा गया है ये देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है ये वाला, देखिए ये लीनियर नहीं है क्योंकि क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, सिंस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ग्रेटर देन 1, सो ये लीनियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हियर वी डील विद द इक्वेशन विद लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल ओनली, तो इस चैप्टर में हम सिर्फ यही पढ़ेंगे,
such equations are known as linear equation in one variable. तो ये chapter का नाम है और यही सब चीजें पढ़ेंगे। तो simple equation which you studied in the earlier classes were all of this type. तो सारी यही आपने चीजें पढ़ी है। सो देखिएगा एक बार, ये आपके सामने इक्वेशन है, ये इसमें जो 2x है ये वेरिएबल वाला पार्ट है, ये इक्वलिटी का सिंबल है, ये इक्वेशन है, इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड है 2x - 3 और 7 राइट हैंड साइड। क्लियर? सो लेट अस ब्रीफली रिवाइज व्हाट वी नो, जो अभी तक हमें जानकारी है लेट अस रिवाइज और ब्रीफली रिवाइज करते हैं। एंड एलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है? इज एन इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, इट हैज एन इक्वलिटी साइन, द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट ऑफ द इक्वलिटी साइन is the left hand side and the expression on the right hand of the equality side is the right hand side. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। So अभी क्या है? एक second इसका बात अगर पढ़ें तो अभी जो है examples के ऊपर आ गए हैं। Examples का discussion आपके लिए जल्दी से करके exercise की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, in an equation the values of the expression on the left hand side and our right hand side are equal. Clear? This happens to be true only for the certain values of the variable. These values are the solution of the equation. जैसे कि x minus 5 is the solution of the equation. कौन सी equation का? 2x minus 3 is equal to 7. So इसमें क्या हुआ? ये जो minus 3 है ना, देखिएगा अगर मैं यहाँ लिखूँ आपके सामने यहाँ पर एक बार, ये कुछ ऐसे है. So 2x will be equal to 10. क्योंकि ये जो minus 3 है right side में जाके positive बन गया, right? और हमने इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 से डिवाइड करा, तो वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में x बचा एंड 10 अपॉन 2 दैट इज 5। सो इसका ये 5 आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। ये बेसिकली हमने अभी करके दिखाया है। वी अज्यूम दैट द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर बैलेंस्ड। बेसिकली अज्यूम तो क्या करना है, ऑलरेडी दे आर, बिकॉज इन बिटवीन इक्वलिटी सिंबल इज देयर। वी परफॉर्म द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन so that the balance is not disturbed. Of five such steps given give the solution, right? So आगे बढ़ते हैं, solution के बारे में पूरा discussion अभी हम करने वाले हैं। देखिएगा, चलिए एक मिनट जो है थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। एक मिनट, just a minute बेटा, let us arrange these in, okay? यस, सो ये पूरा हम डिस्कशन बेसिकली कर चुके हैं, तो अभी आगे बढ़ते हैं। और एक मिनट, ओके, तो ये अभी हम देखिए इसको सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा। क्या है कि सॉल्विंग इक्वेशंस व्हिच हैव लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन द अदर साइड, ये सॉल्व करेंगे। देखिएगा, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिनमें एक साइड लीनियर एक्सप्रेशन है और दूसरी साइड नंबर्स है। लेट अस recall the technique of solving equations with some example. Observe the solution. They can be any rational number. Clear? First example, find the solution of this equation. हालांकि अभी अभी हमने किया है। So इसमें क्या करेंगे? Left hand side में भी plus 3 करेंगे और right hand side में भी plus 3 करेंगे। Reason क्या है इसका? क्योंकि हमने सिर्फ variable part को रखना है। So step 1, that will be add 3 to both sides, right? क्योंकि value पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब दोनों side हमने same operation इस्तेमाल किया है। So 2x minus 3 plus 3 किया एंड 7 प्लस 3 किया। क्लियर? सो द बैलेंस इज नॉट डिस्टर्ब, ऐसा लिखा है यहाँ पर। नाउ ये 3 से 3 कैंसिल होगा, सो 2x बचा और इधर 7 प्लस 3 ये 10 आ गया। नाउ अभी क्या करेंगे? नेक्स्ट डिवाइड बोथ साइड बाय 2। सो इधर भी 2 से डिवाइड किया और राइट हैंड साइड में, तो इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये x बचा इज इक्वल टू 5 आ गया। क्लियर है? सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन अपने पास यहाँ पर आ गया है। अगर हम बात करें सेकेंड एग्जाम्पल का, तो देखिएगा ट्रांसपोजिंग 9 टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर राइट 9 जो है इसको राइट साइड में लेकर गए हैं। देखिएगा इस इक्वेशन का अगर हम करें सॉल्यूशन, तो मैं एक बार यहां पर इक्वेशन लिखता हूं। देखिएगा 2y plus 9 is equal to 4। हम क्या कर सकते थे स्टेप 1 में? एडिंग माइनस 9 टू बोथ साइड्स। सो क्या होता? ये होता, देखिएगा आप लोग, ऐसा ही कुछ होता ना, माइनस 9 इधर भी और माइनस 9 इधर भी। नाउ ये तो कैंसिल हो जाता और क्या आता? 2y is equal to minus 5 आता। नाउ बोथ साइड डिवाइड बाय 2, सो ये क्या आता? 2 से 2 कैंसिल होता, y is equal to minus 5 upon 2 आता। बट देखिए यहाँ पर कुछ जो अलग किया गया है, that is transposing। transposing क्या होता है? एक जो 9 था ये left side में था, right side में लेकर गए हम इसको। तो left side में क्या बचा अपने पास? 2y बचा, right? So ये जो plus 9 था ये right side में जाके minus 9 हो गया, आप देख सकते हैं 4 minus 9 हो गया। Now अगर इसको solve करें तो 2y is equal to minus 5 आएगा obviously। Now dividing both side by 2,
अभी इस डिवाइडिंग बोथ साइड बाई टू कर ले, या फिर ये जो टू है ये बेसिकली वाई के साथ मल्टीप्लाई में है, राइट? यानी कि ये जो है ये बेसिकली क्या है, दिस इज 2 by 1, ओके, दिस इज 2 by 1, और दूसरी साइड जाके ये क्या बनेगा, 1 by 2 बनेगा। सो -5 मल्टीप्लाई बाय 1 by 2 अगर ये होगा तो -5 by 2 ही आएगा ना, तो ये -5 by 2 बनेगा। क्लियर है, ऐसा समझ रहे हैं आप लोग? ओके, तो ये -5 by 2 कैसे आया हमने आपको बता ही दिया है, यहाँ पर कैसे रहा ये माइनस जो है 1 by 2 जो है दूसरी साइड था, ये इधर आके 1 by 2 बन गया जो उधर 2 by 1 था, तो इसका जब प्रोडक्ट करेंगे -5 by 2। क्लियर? सो हालांकि हम चेक भी कर सकते हैं आंसर को, कैसे करेंगे, देखिएगा 2 multiply by y, y का वैल्यू -5 by 2 रखा, +9 किया, नाउ 2 से 2 कैंसिल हो गया, -5 + 9 आएगा, -5 + 9 ये आ गया 4, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, राइट? सो डू यू नोटिस दैट द सॉल्यूशन -5 by 2 इज अ रैशनल नंबर? इन क्लास 7 द इक्वेशंस वी सॉल्व डिड नॉट हैव एनी सच सॉल्यूशन, यानी कि 7th क्लास में जो इक्वेशंस हमने सॉल्व करी थी वो बेसिकली पहले एग्जांपल के जैसी थी, यानी कि उनमें सॉल्यूशन ऐसा रैशनल नंबर नहीं आ रहा था, बट यहां हम रैशनल नंबर वाले इक्वेशंस को भी सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल नंबर 3 करते हैं अभी, ठीक है? और ये जल्दी से एग्जांपल नंबर 3 के बाद अगर हम देखें तो एग्जांपल नंबर 4 करवाने के बाद आपका एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, सो देखिएगा एग्जांपल नंबर कौन सा सॉल्व करेंगे अभी हम, थर्ड। सो यहां पर क्या है, सॉल्व x/3 + 5/2 = -3/2, सो ट्रांसपोजिंग 5/2 टू RHS, ये जो 5/2 दिख रहा है पॉजिटिव है, राइट साइड में ट्रांसपोज कर दिया इसको, सो क्या बनेगा अपने पास, x/3 = -3/2, पहले से ही था 5/2 जो पॉजिटिव था ये राइट साइड में जाके नेगेटिव हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। नाउ -3/2 - 5/2 इन दोनों को ऐड किया, एज वी कैन सी दीज आर लाइक फ्रैक्शंस, ओके, सो -8/2 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या है अपने पास, x/3 = -8/2 जो था इसको अगर हमने 2 1 जा 2 2 4 जा ऐड करें तो -4 आंसर आ गया ना। अभी यहां पर लिखा है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3, तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है, तो ऐसे हमने मल्टीप्लाई किया होगा, जाहिर सी बात है, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, x = क्या आ गया, -4 × 3, दैट इज -12, सो x का वैल्यू आ गया -12, ये अपने पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया है। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का जो है अगर वेरिफिकेशन करें तो देखिए कैसे, -12 है, सो -12/3 + 5/2 सॉल्व करें जी, सो ये एलसीएम आएगा 6 और -24 बनेगा यहाँ, प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 5 = 15, सो ये आएगा -9/6, और अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो -3/2 जो है आंसर अपने पास आ जाएगा, यही तो है आंसर, ही ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े जी, बिल्कुल। सो देखिएगा इस क्वेश्चन को अभी हम सोल्व करेंगे, कौन सा, जो कि हम कहें तो अगर एक तरह से पार्ट नंबर जो है अपना एग्जांपल नंबर 4 करेंगे, चलिए करते हैं। सो ओके, सो देखिएगा क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, क्वेश्चन में है क्या अपने पास जो सोल्व करना है, हमने सोल्व करना है 15/4 - 7x = 9, क्लियर? सो अपने पास जो भी था वो ऐसे कैसा लिखा हमने, -7x = 9, ये जो 15/4 पॉजिटिव था राइट साइड में ट्रांसपोज कर दिया, -15/4 हो गया, तो ट्रांसपोजिंग 15/4 टू राइट हैंड साइड ऐसा हम लिखेंगे, सो -7x, और इसको अगर हम जो है एलसीएम लेके पूरा सोल्व किया तो अपने पास क्या आएगा, देखिए 9 - 15/4 ये सोल्व किया गया है, सो एलसीएम जाहिर सी बात है 4 आया होगा, 4 9 = 36 - 15/21/4 आया, राइट? नाउ ये जो -7 है ये बेसिकली -7/1 है, दूसरी साइड जाके क्या बना होगा, 1/-7 = 21/4 × 1/-7, ये ऊपर इधर न्यूमरेटर में था ना तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया है, क्लियर? अगर मैं इसको आगे सॉल्व करके बताऊं तो देखिएगा ये -7/1x = 21/4 है, यहां से अभी हम क्या करेंगे, -7/1 को हटाया, ये -7/1 को यहां से हटाया और ये दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का तो रहेगा, 7/1 था बट 1/7 बन गया, क्लियर? सो 7 1 जा 7 7 3 जा 21, सो 3/4 आ गया, 3/4 बट नेगेटिव है, ठीक है? सो माइनस का 3/4 जो है आंसर आ जाएगा, वैसे तो देखते हैं एक बार, ये देख सकते हैं आप यहां पर क्या आंसर आया है अपने पास, -3/4,
ठीक है। हालांकि इसमें जो है वेरिफिकेशन कर रखा है, तो इसमें क्या कर रखा है 15 अपॉन 4 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 बाय 4, सो 15 अपॉन 4 ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 21 अपॉन 4 आ गया, और जब इसको ऐड किया लाइक फ्रैक्शन से 36 अपॉन 4 आएगा जो कि 9, जो कि 9 राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्लियर, आई होप आप समझ पाए हैं। तो नाउ एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे।